भारत का वीर जवान हूँ मैं, ना हिंदू ना मुसलमान हूँ मैं, जख्मों से भरा सीना है मगर दुश्मनों के लिए चट्टान हूँ मैं, भारत का वीर जवान हूँ मैं। दोस्तों, एक 5 के सिक्के की वजह से पाकिस्तानी सेना के परखच्चे उड़ गए थे। यह बात है कारगिल युद्ध के दौरान की। तो आगे बढ़ने से पहले जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी कर लें ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। यह कहानी है 19 साल की ब्रिगेड सुबेदार योगेंद्र सिंह जे की, जो ऑपरेशन विजय का हिस्सा थे। 28 मई 1999, जब अचानक सुबेदार योगेंद्र सिंह जी को द्रास नाम की बस्ती में जाने का निर्देश दिया जाता है। द्रास भारत के जम्मू व कश्मीर राज्य के कारगिल जिले में स्थित एक बस्ती है, जो ऊंची ऊंची पहाड़ियों से घिरा हुआ है, जहां इतनी ठंड है कि वहां खून भी जम जाता है। क्योंकि यह निर्देश अचानक दिए गए, जिस वजह से उनके और उनकी सेना के पास ठंडे मौसम के हिसाब से न कपड़े थे और ना ही जूते, बिना कोई बात की परवाह किए वो द्रास की ओर चल देते हैं। पहली सफलता उनको 13 जून को मिल गई थी। तब उन्होंने तोलोलिंग की चोटी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन पाकिस्तानी सेना सबसे बड़ी चोटी से हमला कर रहे थे और उस चोटी का नाम था टाइगर हिल। योगेंद्र जी को टाइगर हिल पर चढ़ना था और पाकिस्तानी सेना को वहां से खदेड़ना था, मगर यह काम इतना आसान नहीं था क्योंकि चढ़ाई 90 डिग्री की थी, यानी कि खड़ी चढ़ाई, जिस पर चढ़ना खतरे से खाली नहीं था। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी, वो रस्सी के सहारे और एक दूसरे का हाथ पकड़ के ऊपर चढ़ने लगे। 2 दिन और 3 रात का सफर कट चुका था, वो ऊपर पहुंचने ही वाले थे, लेकिन दुश्मनों ने फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिस कारण उनके कई साथी शहीद हो गए और उनको भी कई जगह गोली लगी। जैसे तैसे वो और उनके साथी ऊपर चोटी पर पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां पाकिस्तानी सेना ने कई बंकर बना रखे थे। बस फिर क्या था, उन्होंने वहीं से फायरिंग स्टार्ट कर दी और उनके बंकर तबाह कर दिए। 5 घंटे फायरिंग चलने के बाद योगेंद्र जी ने फायरिंग बंद कर दी ताकि पाकिस्तानियों को लगे कि भारतीय सेना मर चुके हैं। जब पाकिस्तानी सेना उन्हें देखने आते हैं तो दोबारा वो फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं, मगर उनमें से एक सैनिक बचकर भाग निकल जाता है और इसकी खबर अपने बाकी साथियों को दे देता है। कुछ देर बाद ही वहां पाकिस्तानी सेना की और टुकड़ी आ जाती है और फायरिंग कर देती है, जिसमें योगेंद्र के साथी मारे जाते हैं और योगेंद्र जमीन पर लेट जाते हैं। पाकिस्तानी वहां रुकते नहीं, वो योगेंद्र पर अंधाधुंध फायरिंग चालू करते हैं। एक गोली हाथ में और दूसरी पांव पर लगती है, मगर वो हिलते नहीं, अगर वो हिलते तो मारे जाते। तभी एक पाकिस्तानी सेना उनके करीब आता है और उनके सीने पे गोली मारता है, मगर वो बच जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जेब में पर्स रखा हुआ था जिसमें 5-5 के कई सिक्के थे। अगर सीने में गोली लगती तो वो मारे जाते। इस तरह 5-5 सिक्के की वजह से उनकी जान बच जाती है। उसके बाद जैसे ही पाकिस्तानी सेना वापस जाने लग गई, तब उन्होंने अपनी जेब से बॉम्ब निकाला और उन पर फेंक दिया और फायरिंग स्टार्ट कर दी, जिस कारण पाकिस्तानी सेना सब मारे गए। ब्रिगेड योगेंद्र बहुत घायल हो चुके थे, बट उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। किसी तरह लुढ़कते हुए वे अपने साथियों तक पहुंचे और दुश्मनों को हराकर टाइगर हिल पर तिरंगा फहराया। 3 दिन बाद जब योगेंद्र जी को होश आया तो उनकी पूरी बॉडी पट्टियों से कवर थी, जिस कारणवश उनकी माँ भी उनको पहचान नहीं पाई। दोस्तों, योगेंद्र जी ने अपने वतन के लिए पूरी 17 गोलियां खाई थी, मगर कहते हैं ना, हिम्मत ए मर्दा तो मदद ए खुदा। दोस्तों, इस वीर को परमवीर चक्र से नवाजा गया। तो ये थी कहानी वीरों के वीर मेजर योगेंद्र सिंह जी की, जिन्होंने दुश्मनों के छक्के छुड़ा दिए। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो शेयर एंड लाइक जरूर करें। जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहे। जय हिंद।